सो हाय गाइज, मेरा नाम है भूपत जेवलिया और मेरे पास है कैनन का R5 कैमरा। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम कैमरा के अंदर पिक्चर स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड प्रोफाइल पर फोटो क्लिक करते हैं, बट काफ़ी टाइम हम लोग ये चाहते मतलब कि हमें एक ब्यूटीफुल स्किन टोन चाहिए, बैकग्राउंड मतलब कि थोड़ा मतलब कि जो बर्नआउट हो जाता है उसको मतलब कि कंट्रोल करना है। तो इन चीज़ के लिए स्पेशली आप इस पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो पिक्चर स्टाइल को, तो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, सबसे पहले मैं कैमरा को यूएसबी केबल से कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, यूटिलिटी। ये जो सॉफ्टवेयर है आपको कैनन की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स है, वहाँ पे जाऊँगा मैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर पिक्चर्स स्टाइल फाइल। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे जो पिक्चर स्टाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो कैमरा के अंदर जो तीन ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल में, यूज़र 1, 2 और 3, हम उसको मतलब कि अपने हिसाब से वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे इंस्टॉल करना है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये मेरे पास सारे पिक्चर स्टाइल है, मैं यहाँ से कुछ पिक्चर स्टाइल को यहाँ से उठाता हूँ और उसको मैं अपलोड करता हूँ कैमरा के अंदर। तो ये रहा हमारा ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र। ऐसे ही मतलब कि मैं एक और पिक्चर स्टाइल है जिसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे मतलब कि जो सिनेमेटोग्राफर लोग हैं वो चाहते हैं मतलब कि उनको पूरा फ्लैट प्रोफाइल चाहिए, जो अगर वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना उसके लिए आसानी हो जाए। और काफ़ी सारे फोटोग्राफर डिमांड होती है जो मतलब कि प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं उनके लिए। तो उसके लिए जो पिक्चर स्टाइल है सबसे मतलब कि जो डिमांड में है वो होता है सिनेमेटिक, जो एकदम पूरा फ्लैट होता है। तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। और ये मेरे जो टू पिक्चर्स हैं मैंने इसमें सेट ऑलरेडी कर दिए। अभी मैं थर्ड पे जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पे मेरा है स्टैंडर्ड, सेकंड पे मेरा सिने स्टाइल जो मैंने अभी ऐड किया, और थर्ड मेरा ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र। तो जो फर्स्ट वाला है वो मेरा बाकी रह गया है। तो वहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है ब्यूटी शॉट करके, जो मतलब कि आपकी जो स्किन टोन को एकदम ब्यूटी इफेक्ट देता है, ग्लोरीफाई करता है, मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वीडियो में देखेंगे फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद कि कैसा उसका इम्पैक्ट आता है। ओके, तो मेरा जो कैमरा है उसमें मैंने तीनों प्रोफाइल अपडेट कर दिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आके। सो अभी मैंने अपने कैमरा में जो प्रोफाइल है पिक्चर्स उसको अपडेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो यूज़र 1 यहाँ पे मैंने डाला है ब्यूटी शॉट, यूज़र 2 यहाँ पे सिने स्टाइल, यूज़र 3 यहाँ पे ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र। तो हम लोग यहाँ पे तीन फोटो क्लिक करेंगे एक ही सब्जेक्ट का और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सामने सब्जेक्ट है, ये है मेरा 1 जो ब्यूटी शॉट है, जो बेसिकली मेरे स्किन को एकदम ग्लोरीफाई करता है। 2 सिने स्टाइल, ये पूरा मतलब कि एकदम फ्लैट प्रोफाइल है, अगर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल ये वाला रहेगा। और थर्ड है मेरा ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र, जो बेसिकली मतलब कि जो शेडो होता है वहाँ पर डिटेल को फिल कर देता है और साथ में कलर भी मेंटेन रखता है। सो आई होप मतलब कि आपने वीडियो पूरा देख लिया और आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही मतलब पिक्चर प्रोफाइल चाहिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।